सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इधर करनाल नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अनलॉक वन को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि करनाल में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। करनाल नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहेंगे जो अनलॉक वन शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे जो है आम लोगों की जो पटरी धीरे धीरे सामान्य रूप से आने लगी है, तो करनाल में किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? करनाल की बात करूँ तो काफ़ी सफल रहा। अब जबकि अब ये बात का आइडिया नहीं है कि ये कब तक महामारी का प्रकोप रहेगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनलॉक वन किया गया, जिसमें काफ़ी सारे रिलैक्सेशन हमारे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मिली। क्योंकि काफ़ी समय से लोग लगभग 2.5-3 महीने से लोग घरों में बैठे थे, तो काफ़ी सारी समस्याएं उनके घरों में रहने से थी, तो सरकार ने एक निर्णय किया कि उनको कुछ रिलैक्स किया जाए ताकि वो अपने ज़रूरत के काम निपटा सके। दिक्कत जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी भाइयों को आई, लेकिन सरकार की ओर से लगातार जो प्रवासी भाइयों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जाए, क्या कहना चाहेंगे, कितने प्रवासी भाइयों को भेजा गया? हमने 10,000 के करीब प्रवासियों का यहाँ पालन भी किया। उनको जहाँ भी किसी भी हमारे हरियाणा के जिले में उनको मिले तो उनको वहीं रहने के साथ साथ उनके बंदोबस्त किए, और जब हमारे वहाँ पर उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया, जब उन्हें सेफ सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो ट्रेन के द्वारा है, चाहे वो बसों के द्वारा है, इसके अलावा उनको ज़रूरत का सामान कुछ दिया गया ताकि एकदम जाते उन्हें कोई समस्या ना आए, उनकी ज़रूरत के लिए राशन है, उनको पैसे हैं, हर तरह से उनकी मदद सरकार की तरफ से की गई ताकि वो अपनी एक सामान्य ज़िंदगी अपने प्रदेश में भी जाकर जी सके। आप मेयर हैं शहर के, तो किस तरह की व्यवस्था रही, जो सैनिटाइजर वगैरह कितने वार्डों में हुआ और जो महामारी से बचाव के लिए जो सैनिटाइजर कराया गया उसके बारे में क्या कहें? हमारे शहर में जब ये प्रकोप हुआ तो लोगों की डिमांड आई कि सैनिटाइज होना चाहिए ताकि सभी का इससे बचाव हो सके, तो 20 वार्डों में हमने सैनिटाइज का काम शुरू किया और हर वार्ड में उसको सैनिटाइज किया। जिस तरह से राहत मिल रही है, लॉकडाउन जो है में राहत मिली है, उस तरह से वैसे वैसे केस करनाल की बात करें तो लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो अनलॉक वन आया है इसमें लोगों ने निश्चित तौर पे सामान्य जिंदगी जीने के लिए, अपने पालन के लिए, अपनी दुकानदारी है, अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, अपने काम धंधे तो शुरू करने ही होंगे, पर फिर भी लोगों से ये निवेदन है कि खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। विशेष तौर पे जब आपको कहीं बाहर जाना हो तो 2 गज की दूरी का आप ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें और आप अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, अपने हाथों को, अपने आप को धोते रहें ताकि इस संक्रमण से बचाव हो सके। तो ये थे हमारे साथ करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता। उनका साफ तौर पर लोगों से यही कहना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिली है, कहीं ना कहीं मेयर रेणु बाला गुप्ता ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।